हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे मीन डिवीजन निकालना है। ये स्टैटिस्टिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीन डिवीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल इस डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज मीन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिविएशन फ्रॉम द मीन और मीडियन। मीन डिविएशन का जो काम होता है, इसमें आपने डिविएशन लेनी होती हैं। अब ये डिविएशन का क्या मतलब होता है, ये इसके फार्मूले से अंडरस्टैंड करेंगे। अब इसके हमने फार्मूले नोट करने हैं। पहले हमारे पास है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज सब बच्चों को पता है, जिसमें डाटा हमारा डिस्क्रीट होता है, सिंगल सिंगल नंबर दिए होते हैं। मीन डिविएशन तीन तरीके से निकाल सकते हैं, या तो मीन डिविएशन फ्रॉम द मीन, जैसे फर्स्ट पॉइंट दिया है, या तो मीन डिविएशन फ्रॉम द मीडियन, या मीन डिविएशन फ्रॉम द मोड। तीनों का फार्मूला सेम है, सिग्मा मॉड ऑफ डी अपॉन एन, सिग्मा मॉड ऑफ डी अपॉन एन। यहाँ पे मीन डिविएशन फ्रॉम मीन निकाला गया है, यहाँ पे मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन, ये मीन डिविएशन फ्रॉम मोड। अगर आपको वो बोले कि मीन से करना है, तो क्या करना है, सबसे पहले उस क्वेश्चन में मीन निकालना है आपने। मीन निकालने के बाद जो आपकी एंट्रीज हैं एक्स, उन सभी एंट्री में से मीन माइनस कर देना है, तो आपका डी बन जाएगा। ठीक है जी। अगर वो मीडियन वाला क्वेश्चन बोल रहा है, तो पहले आपने मीडियन निकालना है। जब आपका मीडियन निकल जाएगा, तो हर एक एंट्री में से मीडियन माइनस करना है। ठीक है जी। इसी तरह अगर मॉड वाला क्वेश्चन है, तो पहले आपको मॉड निकालना है, तो हर एक एंट्री में से माइनस मॉड करना है। ये फार्मूले नोट कर लीजिए, क्वेश्चन में जब कराएंगे तब आपको समझ आएगा। पहली बात मेन है कि अगर क्वेश्चन में लिखा है फ्रॉम मीन करना है, तो पहले आपने मीन निकालना है। अगर आपने लिखा है फ्रॉम मीडियन, तो पहले मीडियन निकालना है। अगर लिखा है मॉड, तो पहले मॉड निकालना है। ये तीन बातें आपने बेटा ध्यान रखनी है, कि जो सी चीज बोली गई है वो पहले निकाल के रखनी है। फार्मूला तीनों का सेम रहेगा, बट डी चेंज होता जाएगा। डी का मतलब डिविएशन है, कि जो एंट्रीज हैं उनको माइनस करना है। अगर मीन है तो मीन से करना है, अगर मीडियन वाला क्वेश्चन है तो मीडियन से करना है। अगर यही क्वेश्चन आपको डिस्क्रीट या कंटिन्यूस में आ जाए, यानी कि फ्रिक्वेंसी वाला क्वेश्चन आ जाए, तो ऊपर वाले फार्मूले में इस नंबर को एफ से मल्टीप्लाई कर देना है, एफ से फ्रिक्वेंसी से, और नीचे जो छोटा है ना, उसकी जगह कैपिटल एन आ जाएगा, यानी कि नीचे टोटल फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। तो तीनों फार्मूले सेम है, देख लीजिए, सिग्मा एफ मॉड डी, सिग्मा एफ मॉड डी, सिग्मा एफ मॉड डी। तो यहाँ पे जो डी का मतलब है एक्स माइनस मीन है, एक्स माइनस मीडियन है, और एक्स माइनस मोड है। तो तीनों तरीकों से आपका डी वही रहेगा, पर फार्मूले में क्या आ जाएगा, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी आपके पास। ठीक है जी। तो ये जो फार्मूले हैं सारे एक जैसे ही हैं, मेन इसमें डी का ही जो है आपको देखना है। अगर क्वेश्चन मीन वाला है तो डी इसके हिसाब से निकालना है, अगर मीडियन वाला है तो इसके हिसाब से करना है, अगर मॉड वाला है तो इसके हिसाब से करना है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करने। लुक एट एग्जाम्पल दिस, फाइंड मीन डिविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो इसका जो मीन डिविएशन निकालना है, इसके मीन से निकालना है। तो पहले ये जो नंबर्स लिखे हैं सबका मीन निकालो। मीन कैसे निकालते हैं, सभी नंबर्स को प्लस कर लो, जैसे एक्स है इनको सभी को प्लस कर लो, 72 आ गया, डिवाइड बाय एन। काउंटिंग में 8 टर्म्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6 8। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक्स बार निकल के आ गया। तो मैंने आपको पहले ही बताया, जब मेन डिवीजन का क्वेश्चन करना है, जो लिखा है पहले वो चीज़ निकालनी है। अब आपने डी निकालना है। डी का मतलब है एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है जी, क्योंकि ये मीन वाला क्वेश्चन है। तो ये जो सभी एंट्रीज हैं एक्स वाली, इन सभी में से आपने मीन माइनस करना है। अब मीन मेरा कितना, देखो यहाँ पे 9 है, तो ये अगर 6 - 9 करेंगे कितना आएगा, 6 - 9 मॉड, क्योंकि ये मॉड में है, तो मॉड में नेगेटिव साइन नहीं उठाएगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, 3 आ जाएगा। इसी तरह 7 - 9 2 आ गया, 10 - 9 1 नहीं होते हैं, 12 - 9 3। इस तरह आपके ये सारे डी निकल जाएंगे। 13 में से 9 गए 4, 4 में से 9 गया -5, मॉड के कारण पॉजिटिव हो गया, 8 में से 9 नेगेटिव साइन नहीं लिखना आपने। तो सिग्मा डी आ गया, यहाँ पे इसको प्लस करो, इट इज़ सिग्मा डी। तो क्या फार्मूला मैंने आपको बताया है मीन डिविएशन का, सिग्मा डी अपॉन एन। तो सिग्मा डी की वैल्यू 22 है, एन कितना आपका 8, तो ये निकल के आ गया। ठीक है जी। जो सिंगल सिंगल क्वेश्चन होते हैं ऐसे नंबर सिंगल सिंगल, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। अब इसी तरह अगर क्वेश्चन है फाइंड मीन डिविएशन फ्रॉम द मीडियन, तो मीडियन वाला क्वेश्चन आपको मैंने सिखाया होता है, नंबर काउंट करो पहले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 11 नंबर है, तो ऑड नंबर है 11। तो मीडियन क्या होएगा, इसकी जो मिडिल टर्म होगी, तो पहले आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा नंबर को। मीडियन में पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं नंबर्स को, जब भी मीडियन निकालना पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लो। ठीक है, टोटल 11 नंबर है, तो बीच की 6th टर्म होगी, 1 2 3 4 5, ये आपका मीडियन हो गया, दिस इज योर मीडियन। ठीक है जी, ये मीडियन हो गया। तो क्या निकालना है, हमेशा टेबल में ऐसे x लिखना है, और यहाँ पे आपने d बनाना है।
डी कैसे बनाते हैं, एक्स माइनस मीडियन, क्योंकि ये मीडियन वाला क्वेश्चन है। अगर मीन वाला क्वेश्चन है तो एक्स माइनस मीन करना है, मोड वाले में एक्स माइनस मोड, तो वही 9 ही आ गया सेम। ठीक है जी, सेम उसी तरह कैसे चलेगा, एक मिनट। ठीक है जी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो आपको सभी एंट्रीज में से मीडियन माइनस करते जाना है, 3-9, 6, 3-9, 6, 4-9, 5, 5-9, 4। तो सारी एंट्रीज जब ये आ जाता है, इसको सिग्मा डी बोलते हैं, डिवाइड बाय अपने एन कर लेना है। ठीक है बेटा, लगा पता आपको, सिंपल क्वेश्चन है। अब हम करते हैं फ्रिक्वेंसी वाले क्वेश्चन। अभी एक्स और एफ एफ यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मीन। जब उसने बोल ही दिया मीन, तो पहले मीन निकाल लें। तो कैसे सिखाया था मैंने मीन निकालना फ्रिक्वेंसी वाले क्वेश्चन में, ये जो आपकी इंडिविजुअल सीरीज है एक्स के एलिमेंट्स, इनको फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, एफ आई एक्स आई, 2 2 द 4, 5 8 द 40, 6 10 द 60, इनको मल्टीप्लाई करके सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपका हो गया सिग्मा एफ एक्स, ये टोटल फ्रिक्वेंसी होगी सिग्मा एफ। तो पहले मीन निकाला गया, 300 डिवाइड बाय 40, तो ये आपका मीन आ गया 7.5 आ गया। ठीक है जी, जब मीन निकल गया फिर आपने डी निकालना है। डी निकालने का क्या तरीका, क्योंकि ये मीन वाला क्वेश्चन है, एक्स माइनस एक्स बार, हर एक एंट्रीज में से आपने एक्स बार माइनस करना है। तो ये मेरा एक्स है और मीन मेरा कितना आया यहाँ पे 7.5, तो 2-7.5 5.5, 5-7.5 2.5। ये जो मॉड है इसका मतलब नेगेटिव साइन आपने इग्नोर करना है, इसमें नेगेटिव नहीं लगाना। तो सिग्मा डी आ गया, क्योंकि इसमें फार्मूला क्या है हमारा, सिग्मा एफ इंटू सिग्मा डी, एफ को डी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो एंट्रीज आ गई है डी वाली, इनको एफ से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 5.5 11, 8 × 2.5 20, 10 × 1.5 15, 7 × 0.5 3.5, 8 × ये सारा कुछ आप कैलकुलेटर पर सॉल्व कर सकते हो। इसकी वैल्यू सारी आ गई हमारे पास टोटल, ये मेरा हो गया बेटा सिग्मा एफ डी। ठीक है जी, 92 अपॉन टोटल फ्रिक्वेंसी 40, इसको इससे डिवाइड करो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह अगर हमारा मीडियन वाला क्वेश्चन है फ्रिक्वेंसी वाला, तो पहले मीडियन निकालना पड़ेगा। आपको पता था कि फ्रिक्वेंसी वाले क्वेश्चन में मीडियन कैसे निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी लेके। तो ये फ्रिक्वेंसी दी हुई, कम्युलेटिव बनाइए, 3 3 + 5 8 8 + 6 14 14 + 7 21 21 + 8 29, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आ गई। अब आप क्या करते थे, हम एन बाई टू करते थे, हम याद होएगा आपको, तो 14.5, तो 14.5 इसके अंदर आएगी फ्रिक्वेंसी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 30 आपका मीडियन हो गया। क्योंकि जो n बाई टू होता है अपने सी एफ में देखना, 14.5 कहाँ पे आएगा, 14 के बाद इसमें आ जाएगा। जब मीडियन 30 आ गया, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, अगर ये कंटिन्यूस वाला होता है इंटरवल वाला 0 to 10 10 to 20, तो वहाँ पे आपको फार्मूले से करना है मीडियन। ठीक है जी, मीडियन आपके पास आ गया, तो अब क्या करना है, डी निकालना है। मतलब कि इस तरह के क्वेश्चन में मीन डिविएशन वाले में, अगर उसने बोला है मीन या मीडियन, पहले वो चीज़ निकालनी है। मीन और मीडियन निकालने के बाद आपको डी निकालना होता है। डी निकालने का तरीका क्या होता है, अगर मीन वाला क्वेश्चन है तो एक्स माइनस मीन कर दो, अब ये क्वेश्चन मीडियन वाला है तो इसमें एक्स माइनस मीडियन कर दो। तो मीडियन मेरा कितना आया है 30, तो ये मेरा एक्स है, इस सभी में से 30 माइनस कर दो, 15 में से 30 के 15, 21 में से 30 के 9, 27 में से 30 के 30, 30 में से 30 के 0, 35 में से, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लगाना। और फ्रिक्वेंसी वाले क्वेश्चन में जब डी निकल जाता है, आपने उसको फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके सिग्मा एफ डी निकालना है, 15 × 3 = 45, 5 × 9 = 45, ऐसे चलते जाना है। ये सारा कुछ यहाँ तक आ गया। ठीक है जी, इन दिस वे यू कैन सॉल्व अदर प्रॉब्लम्स। अगर क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन है, तो इसमें पहले मीन आपको मिड वैल्यू निकालनी पड़ती थी ना एक्स की, पहले 50 150 एक्स की वैल्यू होगी, एफ आ गई। तो जैसे मर्जी कर लो, आपके ऊपर है, सिंपल तरीके से मीन निकाल लो, एक्स इंटू एफ करके मीन आ जाएगा, फिर डी निकालना है। ठीक है, ये डी डैश इसने और तरीके से किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन कीजिए मीन डिविएशन वाले। थैंक यू वेरी मच।